वेलकम टू माई चैनल इनोवेटिव कुकिंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ रेसिपी, जो कि है स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स। स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स सबको खाना पसंद होता है, स्पेशली बच्चे और बड़े लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। हम कई बार अपने घर पे नूडल्स बनाते हैं पर उसका टेस्ट बिल्कुल भी स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स के जैसा नहीं होता है। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इससे आप बिल्कुल बाहर के जैसे स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स अपने घर पे ही बना पाएंगे और फिर आप बाहर का नूडल्स गारंटीड खाना छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए नूडल्स। मैंने यहाँ पर पतले वाले नूडल्स का यूज़ किया है। नूडल्स को सबसे पहले मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया है। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने नूडल्स को कैसे बॉईल किया है तो यहाँ पे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल पतले पतले वाले नूडल्स का यूज़ किया है। जो भी इन्ग्रीडियंट्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी, आप वहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है शिमला मिर्च, यहाँ पर मैंने आधी कटी हुई शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है। यहाँ पर मैंने आधी पत्ता गोभी ली है, पत्ता गोभी को भी मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक गाजर लिया है, गाजर को भी मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है। यहाँ पर मैंने लिया है टोमेटो केचप, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर, नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच सोया सॉस और यहाँ पर मैंने लिया है आधी छोटी चम्मच अजीनोमोटो। तो चलिए फटाफट हम स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और इस पैन में मैंने ऐड किया है एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर, शिमला मिर्च और ये पत्ता गोभी। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल हाई रखा है और हमें ये सारी कुकिंग हाई फ्लेम पर ही करनी है। तो मैं सब्जियों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, हमें इन्हें बिल्कुल क्रंची ही रखना है। और नूडल्स को बॉईल करने के वक्त एक बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप नूडल्स बॉईल करते हैं नूडल्स को हमेशा हाई फ्लेम पे बॉईल करें और जब नूडल्स बॉईल हो जाए तो उसे स्ट्रेन करके बिल्कुल अच्छे से वॉश करें ठंडे पानी से। और नूडल्स वॉश करने के बाद उसे बिल्कुल अच्छे से फैला कर रखें, उसे अच्छे से स्प्रेड कर लें कहीं पर और नूडल्स को बिल्कुल अच्छे से सूखने का टाइम दें। अगर आप गीले नूडल्स को बना लेंगे तो वो बिल्कुल चिपचिपे बनेंगे और उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अगर आपको गीले नूडल्स को सुखाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है तो नूडल्स को आप फैन के नीचे भी रख सकते हैं या फिर उसे अच्छे से फैलाकर एसी के सामने भी रख सकते हैं। अगर आपके पास एसी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नूडल्स को फ्रिज में भी रख सकते हैं अच्छे से फैलाकर, उससे वो जल्दी सूख जाएगी। यहाँ पर एक मिनट के लिए सब्जियों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूंगी डार्क सोया सॉस एक बड़ा चम्मच, चिली सॉस एक बड़ा चम्मच, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चिली सॉस ऐड कर सकते हैं, टोमेटो केचप एक बड़ा चम्मच, साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूंगी अजीनोमोटो आधा छोटी चम्मच। अगर आप अपने नूडल्स में बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट चाहते हैं तो आप अजीनोमोटो ज़रूर ऐड करें अपने नूडल्स में। मैं ऐड करूंगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक मिनट के लिए। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल हाई रखा है। सॉस भी हल्की सी फ्राई हो गई है और यहाँ पे सब्जी भी ऑलरेडी फ्राई हो चुकी है, हमें इन्हें पकाना नहीं है तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी नूडल्स। अब मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से फ्राई करूंगी, मिक्स कर लूंगी। नूडल्स को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है सॉस और सब्जियों के साथ। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई रखा है और यहाँ पर हमारी स्ट्रीट स्टाइल यमी नूडल्स बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल भी चिपकी नहीं है पैन से और ये बिल्कुल सूखी सूखी बनी है, थोड़ी सी भी चिपचिपी नहीं है ये नूडल्स। ये देखिए सारे नूडल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी यमी स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स बनकर तैयार है तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ।
नूडल्स को एक प्लेट पर सर्व कर दूंगी। आप एक बार इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई करें एंड आई एम श्योर उसके बाद आप हमेशा घर पे ही नूडल्स बना के खाएंगे। अभी मैंने नूडल्स को एक प्लेट पे सर्व कर दिया है, आप इस नूडल्स को अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही हेल्दी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली एंड अपने नेबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।